subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. उड़ गया दादी के हाथ से लिफाफा अपने मकसद की ओर, नहीं छुपा रह पाया अबीरा का ये राज। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस वीडियो के ऊपर। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्त। तो अबीरा के ये जो सोनोग्राफी के लिफाफे की जो जर्नी शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई कि अबीरा का वो लिफाफा, भैया अबीरा भूल गई या रख गई, और उसके बाद ध्यान भी नहीं आया, क्योंकि हालांकि इतना बड़ी चीज जो सभी घर वालों से छुपा के रखते हैं, तो वो उसके डॉक्यूमेंट भी इसी तरीके से छुपा के रखने चाहिए, संभाल के रखने चाहिए, नहीं मगर। और वो हाथ में लगे मनीषा के, और मनीषा क्योंकि उस लिफाफे का डेस्टिनेशन ये नहीं था, इसके लिए मनीषा भी पढ़ ना पाई। एंड मौके पे दादी शाह वहां पे आ धमकी और दादी ने उससे वो लिफाफा छीन लिया। उसके बाद भी टाइम बीता, दादी को तभी ध्यान नहीं आया कि मैं पढ़ लूं, और फिर दादी के मन में एकदम से आया कि भैया मैं देख ही लूं, कोई काम की चीज ना हो, ये लिफाफा तो मैं देना भूल ही गई। और फिर वो दादी, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब हमें पता होता है कि हमें पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, तो हम पहले चश्मा लेते हैं, चश्मा लगाते हैं, फिर हम लिफाफे से चीज निकालते हैं। चलो दादी को नहीं ध्यान रहा तो उन्होंने पहले निकाला और रखा, और फिर जो है दोस्तों उन्होंने चश्मे उठाने की कोशिश की। हवा चल रही थी, लिफाफे के ऊपर दादी कुछ रख भी सकती थी, मगर क्योंकि उस लिफाफे ने दादी के हाथ लगना ही नहीं था, तो इसके लिए दादी से भी हुई ये गलती। तो भैया, क्योंकि दादी को अब दादी भाग भी नहीं सकती लिफाफे के पीछे पीछे, बीमार है, तबीयत खराब है ना, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो लिफाफा फुर्र से उड़ जाता है और दादी चश्मा लेके देखती है, जैसे ही लिफाफा गायब, वो कहती है कहां गया ये, और सीन वहां से कट हो जाता है। उसके बाद वो लिफाफा अपने सही मकसद तक पहुंच जाता है दोस्तों, जो उसकी डेस्टिनेशन थी, जहां पे उस लिफाफे को पहुंचना था। अगर पहली बार ही उसी व्यक्ति के हाथ में वो लिफाफा लगा होता तो वो तब पढ़ लेता, मगर वो लिफाफे ने इतने हाथों से गुजर के वहां तक जाना था, तो आखिरकार वो लिफाफा रूही तक पहुंच गया दोस्तों, रूही के हाथ में लग गया वो लिफाफा। और क्योंकि रूही आवाज में कहती हुई दिखाई दी ना अबीरा को कि ये छुपाने की, नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देख ली है, तो लिफाफा हाथ लगा रूही के, और फिर रूही जान गई अबीरा की ये सच्चाई। अब रूही का क्या रिएक्शन होगा ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। आपका इसके ऊपर क्या कमेंट है, क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.